आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र में 9 दिन माता के शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, चल समारोह निकलता है 10वें दिन। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी के रिपोर्ट। नवरात्र साल में, वैसे तो हर माह नवरात्र होती है, पर चैत्र नवरात्र और आषाढ़ की नवरात्र को का बहुत ज़्यादा महत्व है। चैत्र नवरात्र मार्च या अप्रैल माह में आती है और वहाँ रामनवमी मनाई जाती है, और शारदीय नवरात्र महानवमी मनाई जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। माता के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नमामि महाब्राह्मणाय महात्मना। शैलपुत्री प्रथम स्वरूप है, दूसरा स्वरूप माता का माता ब्रह्मचारिणी है, तीसरा माता का स्वरूप माता चंद्रघंटा है, चौथा स्वरूप माता कुष्मंडा, पांचवा स्वरूप स्कंद माता, छठवा स्वरूप माता कात्यायनी, सातवा स्वरूप माता कालरात्रि, आठवा स्वरूप माता महागौरी और नौवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दशहरे पर सिवनी शहर, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, शिव की नगरी में व्यायामशालाओं के द्वारा पथ संचालन निकाला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पथ संचालन में व्यायामशाला के स्वयंसेवक यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो भी सदस्य हैं व्यायामशालाओं के, वे बहुत अनुशासित तरीके से आपको यहाँ पर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये शहर का भ्रमण किया जाता है मुख्य तौर पर। सिवनी का दशहरा आसपास के जिलों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है। सिवनी का दशहरा बहुत आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। हम आपको बता दें, 70 के दशक में सिवनी का दशहरा मुख्य रूप से अहिंसा स्तंभ से आरंभ होता था। अहिंसा स्तंभ में सबसे पहले माता महाकाली की प्रतिमा आती थी, और उसके बाद एक के बाद एक सारी प्रतिमाएं उसके पीछे चलती हुई नेहरू रोड से गुजरती हुई, और ये सारी की सारी प्रतिमाएं पुराना सेंट्रल बैंक, जो सिंघानिया जी का आवास है, जहाँ से दुर्गा चौक के लिए सड़क जाती है, वहाँ से ये प्रतिमाएं मठ मंदिर की ओर जाया करती थी, माता दिवाला की ओर जाया करती थी। दादू मोहल्ले से होती हुई ये प्रतिमाएं मठ तालाब के बाजू से होकर छिंदवाड़ा चौक, और छिंदवाड़ा चौक से ये प्रतिमाएं फिर वापस लौटा करती थीं, वहाँ से महावीर मढ़िया, शंकर मढ़िया होते हुए नगरपालिका, और नगरपालिका से ये प्रतिमाएं वापस नेहरू रोड में प्रवेश करती थीं। नेहरू रोड में प्रवेश करने के उपरांत ये सारी की सारी प्रतिमाएं बुधवारी बाजार के अंदर प्रवेश कर जाती थी, और फिर मिठाई वाली गली से निकलकर शंकर मढ़िया होते हुए गंतव्य की ओर रवाना हो जाया करती थी। धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया। उस समय दशहरे में, दशहरा पर्व जब मनाया जाता था, दशहरा पर्व पर रावण का दहन नगरपालिका परिषद के ठीक सामने किया जाता था, और उसके बाद चूंकि वहाँ जगह कम पड़ने लगी, फिर अभ्यासशाला का मैदान जो कोतवाली के ठीक सामने है, अभ्यासशाला के मैदान में रावण दहन काफ़ी सालों तक होता रहा, और पिछले कुछ सालों से रावण दहन अब मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के मैदान में होने लगा है। ये देखिए, गाजे बाजे के साथ यहाँ पर व्यायामशालाएँ अपना पथ संचालन करते हुए निकल रही हैं। और एक समय था जो प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है। यहाँ आप देखिए भगवान श्री राम, हनुमान, सभी आपको यहाँ उनकी प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता रहे थे कि प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है, जो
45 से 55 या 60 के बीच के आयु वर्ग के लोग हैं वे इस बात के साक्षात गवाह हैं कि जब सिवनी में जीएन रोड हुआ करती थी, जो वर्तमान में मॉडल रोड है, और वो बहुत सकरी रोड हुआ करती थी, बहुत चौड़ी रोड नहीं हुआ करती थी, तो उस समय में गांव से जो लोग आते थे, गांव से परिवार सहित लोग दशहरा देखने सिवनी आया करते थे। दो दो तीन तीन दिन तक वे सड़क के किनारे शंकर मढ़िया के आसपास से लेकर नगर पालिका तक सड़क के किनारे रात में दुर्गा प्रतिमाओं को देखने के बाद विश्राम भी वहीं किया करते थे और अभ्यास शाला के मैदान में भी विश्राम किया करते थे और दो दो तीन तीन दिन तक सिवनी में उनका डेरा रहता था। तब आलम यह हुआ करता था कि आप नेहरू रोड में एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे क्योंकि इस कदर भीड़ हुआ करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं व्यायामशाला में अपने शस्त्रों का प्रदर्शन, अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अब धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती जा रही हैं। उस दौर में बहुत लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, सर पर पेट्रोमैक्स अर्थात गैस कहा जाता था, उसे पेट्रोमैक्स रख कर प्रकाश लेकर चलते थे लोग, महिलाएं पुरुष। ये उस समय की बात। और उसके उपरांत धीरे 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 जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी वैसे वैसे अब आपको डीजे का भी स्वरूप दिख रहा होगा। सोशल मीडिया पर डीजे में बजने वाले गीतों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के द्वारा कही जा रही हैं। अश्लीलता धीरे धीरे ये कहा जाए कि वर्जनाएं टूट रही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारे गीत इस तरीके की बजाए जाते हैं जो जिन्हें अश्लील की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस अश्लील की श्रेणी में इसलिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। माता की शोभा यात्रा निकल रही है और उस समय अगर इस तरीके का किया जाए तो निश्चित तौर पर इसे स्वीकार, सामाजिक तौर पर स्वीकारता शायद नहीं हो। यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवारी का गरबा, शुक्रवारी में भी गरबा बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर गरबे का आयोजन किया जाता है। वैसे तो गरबा कई स्थानों पर गरबे का आयोजन किया जाता है, गरबे को लेकर भी तरह तरह की बातें, गरबे में जिन गीतों पर नृत्य हो रहे हैं उसे लेकर भी कुछ संगठनों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। सोशल मीडिया पर, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए अब बहुत सारी चीजें आप कितनी भी कोशिश कर लें आप उन चीजों को छुपा नहीं सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गरबा यहां पर हो रहा है और बहुत शालीनता के साथ। दरअसल वर्जनाएं टूटना नहीं चाहिए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आयोजकों की, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है और इसलिए बहुत सारी बातों को सीमाओं में रखना, दायरे में रहना बहुत आवश्यक माना जा रहा है। हम आपको यहाँ लगातार, हमने आपको माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया, सिवनी के विभिन्न देवालयों के बारे में आपको बताया। अब दशहरे पर जो व्यायामशालाओं के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई, शस्त्रों का पूजन किया गया, वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर शुक्रवारी का गरबा भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का लगातार यही प्रयास रहा है कि आप तक जो चीज है जैसी है उसी स्वरूप में प्रस्तुत की जाए, बिना काट छांट, बिना लाग लपेट के। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शस्त्र पूजन किया जाता है दशहरे के अवसर पर, दशहरे पर शस्त्र पूजन के उपरांत शोभा यात्रा आरंभ होती है, सबसे आगे व्यायामशाला चलती हैं और उसके बाद जितनी भी प्रतिमाएं विराजी हैं उन प्रतिमाओं को के विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। सिवनी में प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच
दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सिवनी के हर नागरिक को इसके लिए बधाई। प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों, पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों, बिजली विभाग, नगर पालिका, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई के बिना किसी विघ्न के दशहरा सानंद संपन्न हो गया। 17 नवंबर को मतदान विधानसभा के लिए है। अपने मताधिकार का उपयोग कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय जरूर दीजिएगा। इस बार गांव से भीड़ तो आई, पर उस तादाद में भीड़ नहीं दिखाई दी जिस तादाद में पहले दिखाई दिया करती थी। समाचार एजेंसी फिंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दशहरे के अवसर पर हमने आपको व्यायामशाला का पथ संचालन दिखाया और गरबे के बारे में भी दिखाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।